के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन या इलेक्शंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज यूज्ड। इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है, जिसका मतलब है 18 ईयर से ज्यादा एज के जो लोग होते हैं वो वोट कर सकते हैं। आपको पता है जब ब्रिटिश एरा था तब ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, ये प्रिविलेज हमारे पास नहीं थी, इवन दो हम उसे आज प्रिविलेज की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जब आपके पास ये राइट नहीं होता है, आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो वोट कर पा रहा है लेकिन आप वोट नहीं कर पा रहे हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, इट मे बी बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर्टी, और या फिर कोई और यहां पर एक कंडीशन आपके ऊपर लगा दी जाती है, फिर किसी और पैरामीटर की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो आपको फील होता है कि एक्स वाई जेड को तो वोटिंग पावर है लेकिन मुझे नहीं है। तो इसी चीज को हटाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पर कुछ एक एजुकेशनल एजुकेटेड लोगों को ही और प्रॉपर्टी वाले लोगों को ही, जो लोग टैक्सेस पे करते थे उनको ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे, बाकी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो वोटिंग राइट्स है वो 18 ईयर से ऊपर के लोगों को देनी चाहिए, तो ये एक अच्छा डिसीजन था। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को, हम कहां कहां यूज करते हैं? क्या लोकसभा में करते हैं? व्हाट अबाउट राज्यसभा? व्हाट अबाउट स्टेट असेंबलीज? सोचिए, क्या लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में हम किस जगह पे इसका यूज करते हैं? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का आपको मतलब पता चल गया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ या फिर कास्ट, रिलीजन, रेस, किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी भी रेस से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी सेक्स से आते हैं, आपको वोटिंग राइट्स दिया गया अगर आप 18 ईयर से ऊपर है। इनिशियली ये जो एज थी ये 21 ईयर थी, ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाद में इसे रिड्यूस किया गया और 18 ईयर किया गया। किसके थ्रू? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1988 में पास हुआ था, राइट? तो ध्यान रखिएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए। और यहां पे बात करी जाए तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो इलेक्शन होते हैं वहां पे आप लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। राज्यसभा में क्या वोटिंग पैटर्न अप्लाई होता है वो जब हम राज्यसभा का लेक्चर करेंगे तब उसके तफसील से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा D1 एंड